क्योंकि मैं NCR में नोएडा में रहता हूँ, नोएडा उत्तर प्रदेश में, और वो किस दिन बुलडोजर लेकर आके मेरे घर को गिरा दें, ये भय मेरे अंदर भी है। उसकी एक तस्वीर है, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं, वो बैठे हुए हैं, और भी नेता लोग बैठे हैं जिनको कुर्सी नहीं मिली, वो बैकग्राउंड में खड़े हैं, और प्रतिभा पाटिल जी खड़ी होकर अपना नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर को दे रही है। ये 2007 का चित्र है, 2022 का चित्र क्या है? 2022 का चित्र है कि कई नेता वहां पर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी भी हैं, प्रधानमंत्री जी खड़े होते हैं, उम्मीदवार खड़ी होती हैं, और प्रधानमंत्री जी नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर को देते हैं, उम्मीदवार अपना नामांकन खुद नहीं देती हैं। तो ये जो दृश्य है ये आने वाले 5 वर्षों की कहानी पहले से ही बता देता है कि क्या होने वाला है। राष्ट्रपति का पद संविधान का सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति के पद की बहुत गरिमा होती है, और अगर उसका कोई उपयोग है अपार्ट फ्रॉम बीइंग द फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट, तो उसका ये है उपयोग कि वो उन शक्तियों का, उस मॉरल अथॉरिटी का उपयोग करें और इंश्योर करें कि सरकार सही रास्ते पर चले, टकराव से नहीं, बातचीत से। और राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री को बुलाकर कोई मशवरा देता है तो किसी भी प्रधानमंत्री के लिए उसको पूरी तरह से नकारना मुश्किल होगा। तो इसीलिए चुनाव आज महत्वपूर्ण बन गया है, और हम पूरे जोर शोर से इस लड़ाई को लड़ने में लगे हुए हैं। मैं बहुत आभारी हूँ प्रदेश अध्यक्ष जी का, हुड्डा जी का, सारे यहाँ के नेताओं का, जिन्होंने आज चंडीगढ़ आगमन पर मेरा स्वागत किया और सारे विधायकों से और आपसे मिलने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं तो हमारे माननीय हमारे उम्मीदवार जो राष्ट्रपति के माननीय यशवंत सिन्हा जी, अध्यक्ष जी, साथीगण, हमारे पुराने साथी कुलकर्णी जी, पूर्व सांसद और पत्रकार बंधुओं, साथियों, हमारी मीटिंग होगी CLP की, वहाँ सिन्हा साहब थे वहाँ, और सारे 30 विधायक थे वहाँ पर हाजिर। 30 ने ही अश्योर किया है कि पार्टी की जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से सब एक एक वोट सब 30 के 30 यशवंत सिन्हा जी को देंगे। तो ये आए हैं, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये पहले वहाँ आए, अब PCC में आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं, सारी इन्होंने बात तफसील में आपको बता दी है। तो मैं इनका फिर से यहाँ आने पर स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ, और आपसे आग्रह करता हूँ कोई क्वेश्चंस सिन्हा साहब से हो तो यू कैन रेज है, विल सेंड माइक टू यू। सिन्हा साहब नमस्कार। सिन्हा साहब इधर से, क्योंकि मैं NCR में नोएडा में रहता हूँ, नोएडा उत्तर प्रदेश में है, और वो किस दिन बुलडोजर लेकर आके मेरे घर को गिरा दें, ये भय मेरे अंदर भी है। हमने आम आदमी पार्टी से, जैसे हमने सबसे वोट मांगा है, आम आदमी पार्टी से भी वोट मांगा है। अभी उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में कोई फैसला लेकर आप सबको बताएं। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं हाल के दिनों में अपने अभियान के दरमियान कश्मीर गया, श्रीनगर गया। कई लोगों ने हमसे पूछा कि श्रीनगर जाने का क्या मतलब है, वहाँ तो विधानसभा भी नहीं है, कुछ 2-4 वोट हैं MPs के, उसके लिए दौड़ के क्यों जा रहे हैं। मैं कश्मीर इसलिए गया क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कश्मीर के लोगों को और देश की जनता को कि मैं कश्मीर के लोगों को के साथ खड़ा हूं। आज दोबारा है भारत के इतिहास में
कि कश्मीर के लोगों का वोट इस चुनाव में उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से नहीं पड़ने वाला है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। और कश्मीर में जो अत्याचार हो रहा है, अगर आप वहां जाके स्वयं अपनी आंखों से देखें, वहां के लोगों से सचमुच में हृदय से हृदय मिलाकर बात करें, तब सच्चाई का पता चलता है। नहीं तो ऊपर से सब कुछ ठीक ठाक लगता है, जैसे कि चंडीगढ़ में लगता है। और कश्मीर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता रही है, मैं चाहता हूं कि सारे देश की प्रतिबद्धता रहे कश्मीर के प्रति। अभी जो अमरनाथ यात्रा में दुर्घटना हुई ना, मैं उस दिन वहीं था, उसके एक दिन पहले वो दुर्घटना हुई थी, तब तक कुछ छन छन की खबरें आ रही थी। अभी जब मैंने उसको फॉलोअप किया तो पता ये चला कि इसके लिए सीधे सीधे कश्मीर का प्रशासन जिम्मेदार है। 3,000 से 5,000 लोग जाते थे एक दिन में, उनको कहीं कहीं टेंट में रखा जाता था, इस बार वो संख्या बढ़ के 15,000 हो गई। और उनको ऐसे जगह में रख दिया गया जहां पर कि वो क्लाउड बर्स का असर पड़ा, वो बह गए। तो इस तरह की बातें वहां पर हो रही हैं, और आम जन के साथ जो नाइंसाफी हो रही है वो तो हो ही रही है। इसलिए प्रतिबद्धता दिखाने के लिए मैं कश्मीर गया था। सर रवि चंदेल, सूर्य समाचार। लास्ट क्वेश्चन। यस सर। सर देश के अंदर जो मौजूदा माहौल बना हुआ है, आप इस समय विपक्ष के उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के, किस तरीके से देखते हैं पूरे देश के अंदर विपक्ष का रोल, और खास तौर पे कांग्रेस का, जिस तरीके से आए दिन सिमटती जा रही है राज्यों के अंदर, ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेस का क्या रोल देखते हैं, किस तरीके से कांग्रेस जो है वो देशवासियों की आवाज को बुलंद कर सकती है? देखिए, मैं मानता हूं, दो भाग में इसका उत्तर दूंगा। एक तो मैं मानता हूं कि कई विपक्षी दलों का एक साथ आना, 2-3 दिन तक दिल्ली में बैठना, और उसके बाद ये तय करना कि एक साझा उम्मीदवार हम राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा करेंगे, फिर एक नाम पर सहमति बनाना, ये अपने आप में हालिया भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। मैं ऐसा मानता हूं, और मैं ये भी मानता हूं कि ये राष्ट्रपति चुनाव तक ही सीमित नहीं रहेगा, उसके बाद आगे भी जाएगा। जहां तक आपने कांग्रेस पार्टी के बारे में सवाल पूछा, कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि उसकी अपनी एक भूमिका है। इस देश में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी का सीधा टक्कर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कहीं कहीं रीजनल पार्टीज भी हैं, लेकिन कई सीटों पर सीधा, कई प्रदेशों में सीधा है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के रोल को घटाकर मिनिमाइज करके देखना आने वाले